मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जमींदारा एवं जागीरदारी प्रथाओं का उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा कि राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना के अंदर जमींदारा व जागीरदारी प्रथाओं का उन्मूलन किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम DDP की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर मरु विकास कार्यक्रम जिसे DDP कहा जाता है कि शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, राजस्थान में किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई थी। राजस्थान की कौन सी पंचवर्षीय योजना में पहली बार जो है राज्यवार विकास दर को निर्धारित किया गया था, फिक्स किया गया था। तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, राजस्थान में पहली से आठवीं तक के सभी बच्चों को पुस्तक के साथ बैग निःशुल्क देने की योजना क्या कहलाती है। राजस्थान के अंदर पहली से आठवीं के तक के बच्चों को पुस्तक के साथ फ्री बैग देने की जो निःशुल्क योजना लागू की गई थी उसे किस योजना के नाम से जाना जाता है। तो वीणा पाणी योजना ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, महात्मा गांधी हत्या के संदेह में नज़रबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में किस अलवर के दीवान को नज़रबंद किया गया था। डॉक्टर NB खर्रे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, निम्न में से मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में दीजिएगा। तो मारवाड़ का प्रताप जो कि राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, मेवाड़ के प्रथम शाके के रूप में किसे जाना जाता है। मेवाड़ के पहले शाके के रूप में किसे जाना जाता है, रानी पद्मिनी और उसके साथ जो जौहर किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, रानी पद्मिनी व अन्य जौहर को मेवाड़ के पहले शाके के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का निधन या जन्म एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप का निधन हुआ था चावन के अंदर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, महाराणा प्रताप का जो निधन है वो किस सन के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का जो निधन है वो कब हुआ था, तो जनवरी 1597 के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है राजस्थान में कहाँ की थी, तो उदयपुर में की थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी। पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर जो है जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका रही थी, तो वह युद्ध से अलग रहा था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्योंकि युद्ध के अंदर वो सक्रिय नहीं थे या फिर युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया, तो युद्ध से वो अलग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 1527 जैसे 17 मार्च 1527 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था। बदायूनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध है वो कहाँ पे हुआ था, किन के अनुसार, बदायूनी के अनुसार, तो ये गोगोंदा के अंदर हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से पन्ना धाई ने अपनी पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न कई बार ये पूछा गया है कि पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उन्होंने उदय सिंह की जान बचाई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, और अपने पुत्र का उन्होंने बलिदान किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से राजस्थान में छप्पनिया अकाल घटित हुआ था। देखिए राजस्थान के अंदर 56 का जो अकाल है बहुत सबसे भयंकर अकाल पड़ा था, यानी उसके उस अकाल के अंदर जो जीव जंतु पशु पक्षी जानवर सारे भूखे मरे थे, यहाँ तक भी इंसान भी। तो छप्पनिया अकाल जो कि हमेशा इसके बारे में चर्चा होती है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये छप्पनिया अकाल पड़ा था 1899 से 1900 एडी के अंदर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से कापड़ी क्या है। राजस्थान के अंदर एक कापड़ी शब्द है जो कि किससे संबंधित है, इसका आपको उत्तर कमेंट में बताना है कि कापड़ी किससे जुड़ा हुआ है। तो स्त्रियों का जो वस्त्र है जिसने कापड़ी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यूनानी इतिहास में किस स्थान पे उल्लेख मिलता है। यूनानी इतिहास में किस स्थान का जो उल्लेख है वो किया गया है, यूनानी इतिहास के अंदर कौन से स्थान का उल्लेख किया गया है, इनमें से रेंड, नोहे, भीनमालिया, मध्यमिका। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही उत्तर रहेगा मध्यमिका का जो उल्लेख है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रसिद्ध भगत कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था। भगत कवित्री मीरा के बारे में आप सभी जानते हैं, इनके पति का नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी, राजकुमार भोजराज, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्न में से महाराणा कुंभा की माता का नाम, महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था। तो महाराणा कुंभा की जो माता का नाम था सौभाग्य देवी था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं कि जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था, अकबर का टारगेट क्या था। तो अकबर चाहते थे कि राणा प्रताप को उनके अधीन आ जाए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहते थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, इसीलिए उन्होंने हल्दीघाटी का युद्ध करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, शाहजहाँ के साले सलावत खान की हत्या किसने की थी। शाहजहाँ के जो साले थे सलावत खान, इनकी हत्या जो की थी अमर सिंह राठौड़ ने, इनकी हत्या कर दी थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजकुमारी कृष्णा से विवाह के लिए किन किन रियासतों के मध्य हुआ था। राजकुमारी कृष्णा से विवाह के लिए किन किन रियासतों के मध्य हुआ था, जोधपुर और जयपुर, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, आबू पर्वत पे जैन मंदिर के शासक के मंत्री द्वारा बनाए गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आबू पर्वत पे जो जैन मंदिर बने हुए हैं वो किस शासक के मंत्री द्वारा बनाए गए। यहाँ पे शासक का नाम नहीं पूछा गया, यहाँ पे मंत्री का नाम पूछा गया है, तो सोलंकी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रसिद्ध जैन धर्म को समर्पित है। कौन सा स्तंभ है इनमें से जो प्रसिद्ध जैन धर्म को समर्पित है, जो कि कीर्ति स्तंभ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी के बारे हमने अभी बात की थी, क्योंकि जो किस किस रियासत के मध्य हुआ था उसके बारे हमने बात की थी, लेकिन अभी यहाँ से पूछा जा रहा है कि कृष्णा कुमारी कहाँ की रहने वाली राजकुमारी थी, जो कि उदयपुर की थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निम्न में से राजस्थान का भीषम किसे कहा जाता है, राजस्थान का भीषम किसे कहा जाता है, सही उत्तर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने से भी ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करना, आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।